नमस्कार। तो मंत्रिमंडल बन गया मोदी 3.0, और इसको कुछ लोग 3.0 भी बोलते हैं। तो इसमें नए मंत्रियों की शपथ हो चुकी है, लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प बात आपसे साझा करना है। और वो दिलचस्प बात ये है कि जिन लोगों को कहा जा रहा था कि वो बहुत मजबूत हैं, नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू, इन दोनों को जिन बातों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि ये इतने ताकतवर हैं कि अगर ये लोग समर्थन न दें तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन पाएगी, ये अगर समर्थन न दें तो इस सरकार को मुश्किल हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि चंद्र बाबू नायडू अपने 16 सांसदों के साथ और नीतीश कुमार अपने 12 सांसदों के साथ इतनी ताकत रखते हैं कि वो जो पद चाहेंगे वो पद उन्हें मिलेगा। जिस मंत्रालय पर वो उंगली रख देंगे उस मंत्रालय को उन्हें दिया जाएगा, और इसका भरपूर इस्तेमाल उठाने के लिए बिना किसी लाग लपेट के इंडिया गठबंधन के कथित तौर पर आने वाले बड़े बड़े ऑफरों को भी ठुकरा दिया। अगर केसी त्यागी, जो खुद नीतीश कुमार के पार्टी के बड़े नाम है, अगर उनकी बात को मान लें तो नीतीश कुमार के पास इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था। चंद्र बाबू नायडू, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री जैसे बड़े ओहदों के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से बुलाए जा रहे थे, लेकिन एनडीए में शामिल होने के नैतिक आधार को बिना किसी लाग लपेट के निभाने की छवि बनाने के चक्कर में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू के साथ धोखा हो गया। आजकल रील्स में शब्द चलता है, मोए मोए हो गया। क्यों ये बात हम कह रहे हैं? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मंत्रालय की तरफ से ये अपेक्षा थी, ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को कम से कम रेल मंत्री जरूर मिलेगा। रेल मंत्रालय नीतीश कुमार की पार्टी के किसी सांसद के पास जाएगा, और कुछ बड़े मंत्रालय भी जो अहम होते हैं, ताकतवर होते हैं, सक्षम होते हैं, जिनसे कम सरकारें चलती हैं, वैसे मंत्रालय नीतीश कुमार एक दो और अपने पास रखेंगे। और वहीं चंद्र बाबू नायडू तो 16 सांसदों के साथ है। मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी कि लोकसभा अध्यक्ष का पद चंद्र बाबू नायडू मांग रहे, और मीडिया की खबरों को और माने तो उनकी तरफ से यह भी आ रहा था कि ऐसे कोई भी सूरत हाल नहीं बन रही है कि चंद्र बाबू नायडू को लोकसभा स्पीकर का पद देने के लिए बीजेपी तैयार हो। और वहीं बीजेपी ने बहुत सामान्य और औसत दर्जे के मंत्रालयों को इन लोगों को सौंप। अगर मोदी सरकार के मंत्रिमंडल कर गौर करें तो देखिए, जीतन राम मांझी बिहार कोटे से मोदी सरकार में शामिल हुए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख हैं, एक सांसद हैं, उनको एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी देगी, लघु कुटीर छोटे उद्योगों का एमएसएमई मंत्रालय। गया लोकसभा सीट से वो चुनाव जीते थे। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, हाजीपुर से चुनाव जीते हैं, और चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दे दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख है। जयंत चौधरी 2 सांसद लेकर के आरएलडी के प्रमुख हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी, 2 पद मिल गए। अनुप्रिया पटेल जो यूपी से हैं, 1 सांसद थे, 2 टिकट मिला, 1 हार गए, ये बहुत कम मार्जिन से जीती हैं, लेकिन अपना 10 दल सेकुलर, अपना दल एस के तरफ से वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। रामनाथ ठाकुर आपको याद है, कर्पूरी ठाकुर आपको याद है, जेडीयू के नेता रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। और ललन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी के सबसे प्रमुख और बड़े नेता, ललन सिंह
जिनको मंत्रालय मिलने की सुगबुगाहट हो रही थी कि कम से कम रेल मंत्रालय ललन सिंह को मिलेगा, और जेडीयू के खाते से जब ललन सिंह मंत्री बनाए गए, मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री, और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। आप कल्पना करें कि ये ललन सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई वो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, और इससे ये संकेत बीजेपी ने साफ तौर पर दे दिया है कि वो अपने सहयोगी दलों के सामने झुकेगी नहीं, कमजोर नहीं पेश होगी, वो कमजोर होकर के अपने सहयोगी दलों के सामने अपना चरित्र नहीं दिखाना चाहती, वो ताकतवर होती है, वो मजबूती से अपनी चीज को रखेगी और इस सरकार को भी पूरी ताकत से चलाएगी। तो जो लोग किंग मेकर की भूमिका में थे, उन किंग मेकरों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दो दो पद मिले हैं, और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी उनको एक पद मिला है नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय, के राजवासन को नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय मिला है। और उसके बाद एनडीए के दूसरे घटक दल के लिहाज से जो टीडीपी को पद मिला है, चंद्रशेखर पेम्मा सानी को ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा, यानी एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री, केवल इतनी ही जगह मिली उन्हें। 72 लोग मंत्री बनाए गए, 72, और जेडीयू को केवल दो मंत्रालय, ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय और रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं कल्याण में राज्य मंत्री, यानी दोनों को एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री, केवल इतनी जगह मिली है उन लोगों को जो किंग मेकर समझे जा रहे थे। और माना यह जा रहा था कि बीजेपी पर भारी दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। बीच में उनकी तरफ से सीसीएस से संबंधित मंत्रालय चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीसीएस को कौन कहे, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, शिक्षा कानून जैसे सारे महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। और बीच में चर्चा ये चल रही थी कि नीतीश और नायडू गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय मांगेंगे। तो जो किंग मेकर बन करके यह इस भूमिका में आ गए थे कि वो जो मांगेंगे उन्हें वो मिलेगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और आज बीजेपी ने उनकी हालत ऐसी कर दी कि जो मिल रहा है चुपचाप लेकर रख लो, वरना वो भी नहीं देंगे। कहां तो गृह मंत्री बनने का ख्वाब देखा जा रहा था, कहां तो लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा जा रहा था, कहां तो यह मांगा जा रहा था कि रेल मंत्रालय तो नीतीश कुमार लेंगे ही लेंगे, वो पहले भी रेल मंत्री रह चुके हैं, और नीतीश कुमार रेल मंत्रालय के साथ यह कोशिश करेंगे कि वह अपनी ताकत के साथ सरकार में अपनी हनक को मजबूत कर सके। चंद्रबाबू नायडू इस बात की कोशिश करेंगे कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ मंत्रालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। लेकिन कल्पना करें कि दो बड़े गठबंधन के सहयोगी, जिनकी ताकत ये है कि अगर वो दोनों समर्थन वापस ले लें तो सरकार न बने, या वो दोनों दूसरे खेमे यानी इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दे तो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना ले। इसलिए केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले अपने काम पर लगाए, और केसी त्यागी अपने काम को शुरू कर दिए कि भाई इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का दे दिया है। अग्निवीर पर पुनर्मूल्यांकन, पुनर्समीक्षा, सीएएनआरसी पर उन तबकों से भी बातचीत करनी होगी जो इसमें सहयोगी भूमिका में, कहां है वो, कहां हुई बातचीत, इतने दबाव का रिजल्ट ये कि रेल मंत्रालय भी नहीं मिला, रेल मंत्रालय भी नहीं मिला। कहां ये सुगाड़ते कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर है नीतीश कुमार के ऊपर, और इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि आप इस तरफ आइए और प्रधानमंत्री बन जाइए। एनडीए के साथ गए और वो भी एक कैबिनेट मंत्री पंचायती राज ललन सिंह और दूसरे राज्य मंत्री, एक नागरिक उड्डयन मंत्री
चंद्रबाबू नायडू और दूसरे राज्य मंत्री, केवल इतनी सी जगह। आखिर क्या मजबूरी है कि इसके बाद भी वो सब कुछ लोग शांत बैठे। इससे बढ़िया तो महाराष्ट्र से आवाज उठी, और महाराष्ट्र से आवाज उठी कि हम कैबिनेट मंत्री पहले भी रह चुके हैं, चाहे प्रफुल्ल पटेल से लेकर के अजित पवार का किस्सा अगर आपने मीडिया में नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिएगा। महाराष्ट्र से इस बात की आवाज उठी कि हम कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, हमारी ताकत ऐसी है कि हमें कैबिनेट मंत्रालय ही दिया जाए, और अगर हमें कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिलेगा तो हम बाकी कुछ नहीं लेंगे, नहीं शामिल होंगे इसमें। ये सुगबुगाहट एनडीए के भीतर से महाराष्ट्र से उठ गई, उन परिस्थितियों के बाद भी पैर छूने पर महदूद कर दिए गए नीतीश कुमार, रेल मंत्रालय भी ना पाए, प्रधानमंत्री पद का ऑफर एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ ये चर्चा हो रही है कि भूमिका इतनी बड़ी है कि वित्त या रक्षा या गृह मंत्रालय मिल सकता है, छोड़ दें ये सब, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सड़क मंत्रालय भी नहीं मिला, पंचायती राज लेकर के ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बन गए। बस ज्वाइनिंग हो गई, आज तस्वीरें आ गई। आज अब सब बगाहट विश्लेषण के एमए में शुरू हो चुकी है। इसके पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहते हैं, इसका राजनीतिक निहितार्थ कहां ले जाएगा, क्या है इसके पीछे की कहानी, दो तरह के वर्जन आ रहे हैं। पहला, अगर वाकई इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का न्योता नीतीश कुमार तक पहुंच गया रहा होगा, गृह मंत्रालय, उप प्रधानमंत्री या वित्त मंत्रालय या ऐसे किसी बड़े मंत्रालय का ऑफर चंद्रबाबू नायडू के खेमे तक पहुंच गया होगा। एक तस्वीर आपने देखी क्या, डीके शिव कुमार एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू को किनारे ले जाकर कान में कुछ बात कर रहे हैं देर तक अकेले में, और उधर नीतीश कुमार भतीजे को उसी फ्लाइट में पहले पीछे बिठाकर साथ ले आ रहे हैं, फिर बगल में बैठ जा रहे हैं। केवल संकेत थे, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी इस तरह की चीज करता है तो उसके पीछे गहरे राजनीतिक निहितार्थ जुड़े होते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों एनडीए को यह संदेश देना चाह रहे थे कि हमारी ताकत इतनी है कि हम कहीं भी जाएंगे तो सत्ता बदल जाएगी, इसलिए हमें बहुत पर्याप्त सम्मान चाहिए। जबकि एनडीए ने मंत्रालय बांटने के साथ यह पर्याप्त सम्मान सौंप दिया है कि आप कितने भी बड़े किंग मेकर खुद को समझते रहिए, एक कैबिनेट मंत्रालय और एक राज्य मंत्रालय लेकर खुश रहिए, और वो भी मंत्रालय या तो पंचायती राज या नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी झुकेगा नहीं। आजकल एक तस्वीर चल रही रहती कि झुकेगा नहीं में कौन नहीं झुक रहा है, तो वो नागपुर से एक मंत्री नहीं झुक रहा है, ताली नहीं बजा रहे। और जब ताली नहीं बज रही है, झुक नहीं रहे हैं, तो उनका कद क्या है, उनके कद को आप कहां से समझेंगे, इसको यहां से समझिए कि उनका कद यह है कि वो नितिन गडकरी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो झुक करके पैर पकड़ लिए लगभग अपने हम उम्र साथी से, जो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं है, जो जिसकी विचारधारा से उनकी विचारधारा टकरा जाती है अक्सर, और अक्सर वो उनका साथ छोड़ देते हैं फिर पलट के चले जाते हैं, वो नीतीश कुमार पैर पकड़ने लगे, और मंत्रालय क्या मिला, पंचायती राज, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री। विश्लेषण ये कहता है कि या तो कोई बहुत कमजोर नस इन लोगों की केंद्र में बैठे दो नेताओं ने पकड़ लिया, या तो अगर कमजोर नस नहीं पकड़ी गई होगी तो बहुत जल्द आने वाले दिनों में कुछ बड़ा भारत की राजनीति में देखने को मिल सकता है। विश्लेषण यह कहता है कि अगर आप इतने बड़े किंग मेकर टाइप की भूमिका में पहुंच चुके राजनीतिक दलों को केवल एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हैं, तो या तो पीछे से आप बहुत कुछ और ऐसा दे रहे हैं जो दिख नहीं रहा,
जिसकी वजह से वो चुपचाप 5 साल सरकार में शामिल रहेंगे। या तो आपने ऐसी कुछ चीज पकड़ ली है जिसके चलते वो अगले 5 साल आपके चुपचाप साथ देते रहेंगे, कितने कम में भी, सब कुछ कमजोर करके भी, अन्यथा आने वाले दिनों में इसके कुछ दूसरे रूप देखने को मिल सकते हैं और दिल्ली की सरकार गिर भी सकती है। क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हो, जिसका नेता कह रहा हो कि उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर था, जिसकी तरफ से ये बात आ रही है कि कम से कम गृह रक्षा या वित्त में से कोई ताकतवर मंत्रालय भी हमें चाहिए था, या रेल मंत्रालय कृषि मंत्रालय जैसा भी दे देते, उन दो सबसे बड़े दलों को बीजेपी ने एक भी ताकतवर मंत्रालय नहीं दिया और सारे ताकतवर मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे। इसके सही राजनीतिक निहितार्थ यही है कि या तो सब कुछ अब बीजेपी के हाथ में चला गया है, इनके हाथ का भी कुछ ऐसा जिसके दबाव में ये चुपचाप 5 साल सरकार चलाएंगे, अन्यथा बहुत जल्दी कुछ मौसम बदल सकता है। आपका क्या मानना है ऐसे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।